आपका छत्तीसगढ़ की एक विशेष पेशकश में। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए विगुल फूंक दिया है। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटी की घोषणा की है। प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यहां भी रणनीति बना रही है। आपने यहां सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपका गारंटी पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट तक छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों की स्थिति को बदला जाएगा। छत्तीसगढ़ में हर बेरोजगार को रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही 3,000 रुपए हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 18 साल से अधिक उम्र की महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। पार्टी के गारंटी पत्र पर प्रदेश में राजनीति तेज होती जा रही है। एक और जहां भाजपा ने इस गारंटी पत्र को सिरे से नकार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने गारंटी पर भरोसे को लेकर सवाल उठा दिए हैं। तो दिसंबर तक के पूरे पंजाब के लोगों के जितने बकाया बिल थे दिसंबर तक के सारे माफ कर दिए एक बार में हमने। उससे क्या फायदा हुआ? लोगों को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सारे पुराने बिल माफ हो गए। कई ऐसे लोग थे जिनके गलत बिल आए हुए थे, 40-50 हजार रुपए के गलत बिल थे। फिर वो आके बिजली का कनेक्शन काट जाते हैं, फिर उस आदमी को डंडी डाल के बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है, फिर उसमें चोरी का सब खत्म हो गया। लोगों ने एक नंबर में कनेक्शन ले लिए, सबके पुराने बिल माफ हो गए, नए बिल आने बंद हो गए, जनता में खुशहाली खुशहाली। गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं, कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती। आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं, ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी नहीं है। देखिए, आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब में और दिल्ली में कैसे चल रही है आप सबको पता है, और जनता आम आदमी पार्टी को बखूबी जान गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मतगणना तक में भी कांग्रेस पार्टी से लीड लेगी, ये मेरा कहना नहीं है, तय करने वाली जनता है। हम भी कुछ कहेंगे, भाजपा भी कहेगी, बहुजन समाज कहेगी, सभी पार्टी कहेंगे और आम आदमी पार्टी भी कहेगी, लेकिन तय कौन करेगा? जनता तय करेगी। किसकी गारंटी पे भरोसा है, किस पर नहीं है, ये परिणाम बताएगा। आज की स्थिति में हम कुछ भी मतलब कहने की स्थिति में नहीं है। जब तक हमारे सुझाव हमने आमंत्रित किया है, हम इसको व्यापक बनाना चाहते हैं, तो पहले सुझाव आ जाएं, उसके बाद कितना बिंदु हम रखने जा रहे हैं ये उसके बाद ही तय होगा।